What's up guys, this is Tarun Molri और आज हम बात करेंगे कैसे स्किन को ग्लोइंग करें, क्लियर करें और एक्ने फ्री करें। यहाँ पे हम गोरे होने की बात नहीं कर रहे, सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Now before we start, let me tell you that this video is sponsored by L'Oreal Paris, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जो सबसे पहली चीज है जो बहुत जरूरी है ग्लोइंग स्किन के लिए, दैट इज एक्सफोलिएशन। सो व्हाट इज एक्सफोलिएशन? एक्सफोलिएशन से बेसिकली डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं, जिससे कि न्यू और हेल्दी सेल्स आते हैं आपकी स्किन पे, जिससे कि स्किन क्लियर और फ्रेश लगती है। अब एक्सफोलिएशन दो तरीके की होती है, दैट इज केमिकल एक्सफोलिएशन और फिजिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन बेसिकली स्क्रब से होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो क्या हम एक्सफोलिएशन रोज कर सकते हैं? नो, जो फिजिकल एक्सफोलिएशन है स्क्रब से, वो आप रोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्श हो सकता है आपकी स्किन के लिए, स्किन को सेंसिटिव बना सकता है। सो आई विल रिकमेंड कि आप सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक बार एक्सफोलिएट करें, और जब आप एक्सफोलिएट कर रहे हो सो यू डोंट हैव टू गो हार्श, आपको रगड़ना नहीं है बहुत, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है स्किन के लिए। तो आपको बहुत जेंटली, जब मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इस वर्ड पे, तो आपको बहुत जेंटली स्क्रब करना है अपने फेस को, और बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं करना स्क्रब, 15 to 20 seconds तक ही स्क्रब करना है। और जब आप धो रहे हो अपना मुंह, तो आपको सिर्फ स्प्लैश करना है फेस पे, आपको उस टाइम पे भी रब नहीं करना। राइट, अब दूसरी चीज़ जो ग्लोइंग स्किन में हेल्प करती है, दैट इज टोनिंग। अब वॉट इज टोनिंग? टोनिंग से जो बेसिकली ऑयल लेवल्स है स्किन के, वो बैलेंस होते हैं, मैक्सिमम हाइड्रेशन प्रोवाइड होती है आपकी स्किन को, और आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। ये बहुत छोटा स्टेप है, 5 to 10 seconds का, पर ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, और इसका जो बेस्ट बेनिफिट है कि ऑयली स्किन और एक्ने प्रो स्किन को होता है। सो टुडे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस L'Oreal Paris क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, दैट इज द स्पॉन्सर ऑफ आर वीडियो। ये प्रोडक्ट मेरे पास लॉकडाउन से पहले आया था, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स टिल नाउ दैट आई हैव यूज्ड। सो इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जो पोर्स को अनक्लॉक करने में हेल्प करता है, और आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करता है। इसको मैं एटलीस्ट 2 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ, एंड माय स्किन इज वेरी स्मूथ, लाइक बेबी फेस जो होता है वैसी स्मूथ हो जाती है आपकी स्किन। और L'Oreal Paris ही कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के 10 layers तक पेनिट्रेट होता है, एज कम्पेयर टू 2 layers विद रेगुलर क्रीम्स। सो इसको अप्लाई करने के लिए कॉटन पैड की भी जरूरत नहीं है, इट्स इन लिक्विड फॉर्म, आपको बेसिकली अपने हैंड्स में लेना है, डैब इट विद योर फिंगर्स ऑल ओवर योर फेस, प्रेस इट जेंटली with your fingers and hands. इसको क्लेंजर के बाद और मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने से पहले लगाना है, एंड आई एम नॉट किडिंग, डे आफ्टर डे आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है, एंड टेक्सचर उसका बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। सो अगर आपकी स्किन कोर्स है, रफ है, तो क्रिस्टल माइक्रो एसेंस अमेजिंगली काम करता है आपकी स्किन पे, और हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्वेटी रहती है थ्रू आउट द डे, सो इसको लगाने के बाद हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड और हाइड्रेटेड फील करती है। एंड द लिंक फॉर क्रिस्टल माइक्रो एसेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है ग्लोइंग स्किन के लिए, दैट इज योर वाटर इनटेक, डाइट एंड एक्सरसाइज। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप 3-4 दिन के लिए वाटर इनटेक को कम कर दो, पानी पीना कम कर दो, एंड देन सी द रिजल्ट ऑन योर फेस। आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, और रिंकल्स दिखेंगे आपको स्किन पे। और उसके बाद आप अगेन 3-4 days के लिए अपना वाटर इंटेक इंक्रीज कर दो, ज़्यादा पानी पियो, एटलीस्ट 2 liters a day, एंड देन सी द रिजल्ट ऑन योर फेस। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लगेगी, स्किन फ्रेश फील करेगी और क्लियर हो जाएगी। एंड सेम गोज फॉर योर डाइट, आपको डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। और इस होल कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से एक चीज़ जो सही हुई है, दैट इज़ जो हेल्दी रूटीन है वो प्रमोट हो रहा है, आपकी हेल्दी हैबिट्स प्रमोट हो रही हैं। आपकी जो बैड हैबिट्स हैं लाइक ईटिंग जंक फूड, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, उसको अवॉइड करना है, और आप खुद थोड़े टाइम में उसका रिजल्ट अपनी स्किन पे देख सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहने चाहिए, उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है, शुगर लेवल्स हैं वो रेगुलेट होते हैं, और जो आपके अननेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं वो स्वेट के थ्रू निकल जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपकी क्लियर स्किन में। नेक्स्ट थिंग इज द मिस्टेक, जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग, जिससे उनकी स्किन क्लियर नहीं हो पाती, दैट इज पॉपिंग आउट योर एक्ने और स्क्वीजिंग इट एंड टचिंग योर फेस। यू डोंट हैव टू डू इट। आई नो, जब भी कोई एक्ने होता है तो हमारा मन करता है कि उसको पॉप आउट कर दो, क्योंकि हम बार बार उसको देखते रहते हैं और हमें बहुत खराब फील होता है। आई नो इट्स टेम्पटिंग, जब हम उसको पॉप कर देते हैं, बेसिकली फोड़ देते हैं या स्क्वीज कर देते हैं, तो वो आपकी स्किन में डीप जा सकता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है, और जो एक्ने स्कार्स रह जाते हैं आपके, दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि आप उसको पॉप कर रहे हो या स्क्वीज कर रहे हो।
alright? And stop touching your face again and again. आप कोई भी चीज़ को टच करते हो, फॉर example, फोन, डोर हैंडल्स, लैपटॉप, जितनी भी जर्म्स है वो आपकी स्किन पे ट्रांसफर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी स्किन के लिए. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. जो मैंने पहले स्किन से रिलेटेड वीडियो बना रखी है उससे एक्स्ट्रा कुछ बताया मैंने इस वीडियो में. अगर आपको वो वीडियो देखनी है, इट हैज़ ओवर 7 लाख व्यूज़, आप देख सकते हैं. आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा, या फिर उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. और अगर आपको स्किन केयर सीरीज चाहिए, आपको एक सीरीज चाहिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत लोग मेरे से क्वेरी भी कर रहे थे, इस वीडियो को लाइक करें. जब मैक्सिमम लाइक्स या कमेंट ज़्यादा हो जाएंगे और मुझे पता चल जाएगा कि आपको स्किन केयर सीरीज ज़्यादा चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली मेक इट. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलती है व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो. प्रेस इट एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम.